नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वाईफाई जीएस एग्जाम में। इस डिस्कशन में हम 8 जुलाई 2023 के करंट अफेयर के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों को कवर करेंगे और ये क्वेश्चन सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो इस डिस्कशन को हम स्टार्ट करते हैं। ये फर्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार द्वारा प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की बीमा राशि 5 लाख से बढ़ाकर 10 लाख करने का फैसला किया गया है? तो ये जो अनाउंसमेंट की गई है, ये की गई है गुजरात सरकार के द्वारा। सी ऑप्शन गुजरात फर्स्ट क्वेश्चन का सही आंसर है। गुजरात से आप 2 पॉइंट याद रखेगा। सबसे पहला पॉइंट, गुजरात की सरकार ने ई नगर मोबाइल एप्लीकेशन इसको स्टार्ट किया। दूसरा पॉइंट, गुजरात में जो थोल लेक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है इसको कुछ टाइम पहले रामसर स्टेटस दिया गया था। केरल की बात करते हैं, केरल से भी आप दो तीन पॉइंट याद रखेगा। केरल की सरकार ने स्मार्ट किचन योजना इसको स्टार्ट किया। केरल की सरकार ने सिल्वर लाइन प्रोजेक्ट इसको स्टार्ट किया। केरल की सरकार ने वन स्कूल वन आईएएस स्कीम इसको स्टार्ट किया। केरल की सरकार ने कुंज ऐप इसको स्टार्ट किया। केरल की सरकार ने ही स्नेक पीडिया ऐप इसको स्टार्ट किया। बात करें अगर हम राजस्थान से, तो राजस्थान की सरकार ने चिरंजीवी योजना इसको स्टार्ट किया। राजस्थान की सरकार ने इंदिरा रसोई योजना इसको स्टार्ट किया। राजस्थान की सरकार टाइगर कॉरिडोर इसको डेवलप करेगी। और राजस्थान की सरकार ने घर घर औषधि योजना इसको स्टार्ट किया। मध्य प्रदेश की बात करें, देखो मध्य प्रदेश में जो कूनो नेशनल पार्क है यहाँ पर 8 चीते लाए गए थे नामीबिया से। मध्य प्रदेश की सरकार ने अंकुर योजना इसको स्टार्ट किया। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के पॉइंट हैं जो आपको याद रखने हैं। तो सी ऑप्शन गुजरात फर्स्ट क्वेश्चन का सही आंसर है। ये गुजरात की लोकेशन है। ये देखिए आप आसपास के राज्यों की बात करें, राजस्थान मध्य प्रदेश महाराष्ट्र 3 राज्यों के साथ बाउंड्री शेयर होती है। देखो टोटल भारत के ना 9 राज्य समुद्र के साथ अपनी बाउंड्री शेयर करते हैं। ये हैं वो 9 राज्य। इनमें से जो लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन है वो गुजरात की है, तो ये भी आप याद रखेगा। ये गुजरात की बेसिक इन्फॉर्मेशन है। गांधीनगर कैपिटल है, 1 मई 1960 में फॉर्मेशन हुई थी। लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन है, अभी हमने कवर किया। भूपेंद्र भाई पटेल मुख्यमंत्री हैं, आचार्य देवव्रत राज्यपाल हैं। अहमदाबाद में इसकी हाईकोर्ट है, जहाँ के मुख्य न्यायाधीश हैं आशीष जितेंद्र देसाई। सुरसागर लेक थोल लेक गोमती लेक तीनों लेक गुजरात में हैं। सरदार सरोवर डैम नर्मदा रिवर के किनारे है। कमलेश्वर डैम हीना रिवर के किनारे है। दंतीवाड़ा डैम बानस रिवर के किनारे है। कड़ाना डैम माही रिवर के किनारे है। 33 जिले हैं लोकसभा की 26 सीट, राज्यसभा की 11, विधानसभा की 182 सीटें हैं। नेशनल पार्क की बात करें, गिर नेशनल पार्क, इसे लैंड ऑफ एशियाटिक लायंस भी कहा जाता है क्योंकि एशियाटिक लायंस इसी गिर नेशनल पार्क में पाए जाते हैं। कच्छ डेजर्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, वंशता नेशनल पार्क, इंडियन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, मैरीन नेशनल पार्क, नारायण सरोवर सेंचुरी, बार्द हिल्स वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नाल सरोवर बर्ड सेंचुरी, भावनगर ब्लैकबक नेशनल पार्क। तो ये बात करें हमने गुजरात की बेसिक इन्फॉर्मेशन के बारे में। सेकंड क्वेश्चन, जीमैक्स समुद्री अभ्यास भारत और किस देश के बीच आयोजित हुआ? तो ये भारत और जापान के बीच आयोजित हुआ। डी ऑप्शन जापान सेकंड क्वेश्चन का सही आंसर है। टोक्यो कैपिटल है, यही लार्जेस्ट सिटी है। जापानी येन करेंसी है, प्राइम मिनिस्टर है फुमियो किशिदा। कुवैत की कैपिटल कुवैत सिटी है, लार्जेस्ट सिटी यही है। कुवैती दिनार करेंसी है, प्राइम मिनिस्टर है अहमद नवाफ अल अहमद अल सबा। न्यूजीलैंड की बात करें, कैपिटल वेलिंगटन है, लार्जेस्ट सिटी ऑकलैंड। न्यूजीलैंड डॉलर करेंसी है, प्राइम मिनिस्टर है क्रिस हिपकिंस। युगांडा की बात करें, कैपिटल कंपाला है, लार्जेस्ट सिटी यही है। युगांडन सेलिंग करेंसी है, प्रेजिडेंट है योवेरी मुसेवनी। प्राइम मिनिस्टर है रोबिना नवंजा। तो डी ऑप्शन जापान सेकंड क्वेश्चन का सही आंसर है। थर्ड क्वेश्चन, बास्केटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है आधव अर्जुन को। सी ऑप्शन आधव अर्जुन थर्ड क्वेश्चन का सही आंसर है। ये कुछ इंपॉर्टेंट नाम है जो भी न्यूज़ में थे। आर के सबरवाल, देखो बार बार इनको रिपीट करने का एक ही ऑब्जेक्टिव है कि क्वेश्चन अगर एग्ज़ाम में पूछा जाए, कोई भी मतलब पूछा जाए, तो वो आपका छूटे ना। आर के सबरवाल, इनको मंगोलिया का हाईएस्ट अवार्ड द ऑर्डर ऑफ पोलर स्टार से सम्मानित किया गया। नुकुलफोम, इनको विटली अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया और ये नागालैंड से बिलोंग करते हैं। कौशिक राजशेखर, इनको वैश्विक ऊर्जा पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया। हेमलता शर्मा को अंतर्राष्ट्रीय साहित्य सेतु सम्मान 2023 से सम्मानित किया गया। बाकन जगदीश सुधाकर को यूनेस्को का मिकेल बैट्सी अवार्ड दिया गया। नितिन अग्रवाल बीएसएफ के नए महानिदेशक बने। अमित अग्रवाल यूआईडीएआई के सीईओ बने।
ललिता नटराजन, इनको इकबाल वसी पुरस्कार प्रदान किया गया। तुषार मेहता को भारत के सॉलिसिटर जनरल के रूप में नियुक्त किया गया। पीएम प्रसाद, इनको कोल इंडिया के नए चेयरमैन का पदभार ग्रहण किया इन्होंने। त्रिवेणी कॉन्टिनेंटल किंग्स, इनको ग्लोबल शतरंज लीग 2023 का खिताब इन्होंने जीता। क्यू डोंगो, ये FAO के एक बार पुनः महानिदेशक नियुक्त किए गए। आधव अर्जुन को बास्केटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन, एक मारा परियोजना का संबंध किस राज्य से है? तो इसका जो संबंध है ये है उड़ीसा से। ये आप याद रखेगा, उड़ीसा फोर्थ क्वेश्चन का सही आंसर है। उड़ीसा की सरकार ने आशीर्वाद योजना इसको स्टार्ट किया, ये आप याद रखेगा। और उड़ीसा भारत का एकमात्र ऐसा राज्य है जहां मगरमच्छों की तीनों प्रजातियां पाई जाती हैं। हिमाचल प्रदेश की बात करें, हिमाचल प्रदेश की सरकार ने पर्वतधारा योजना इसको स्टार्ट किया और हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में पहली बार मोंग फ्रूट की खेती स्टार्ट की गई थी। गोवा की अगर हम बात करें, गोवा की सरकार ने पानी बचाओ योजना इसको स्टार्ट किया। तो ए ऑप्शन उड़ीसा फोर्थ क्वेश्चन का सही आंसर है। फिफ्थ क्वेश्चन, भारत में सबसे अधिक सूक्ष्म उधार लेने वाला राज्य कौन सा बना है? तो ये बना है बिहार। और बिहार खादी के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने थे? मनोज तिवारी, ये आप याद रखेगा। हरियाणा की सरकार ने परिवार पहचान पत्र योजना इसको स्टार्ट किया और हरियाणा की सरकार ने प्राणवायु देवता पेंशन योजना इसको स्टार्ट किया। आसाम की सरकार ने स्मार्ट थाने बनाने के लिए मैत्री योजना इसको स्टार्ट किया और आसाम की सरकार ने अरुणोदय योजना इसको स्टार्ट किया। तो ए ऑप्शन बिहार, ये फिफ्थ क्वेश्चन का सही आंसर है। सिक्स्थ क्वेश्चन, विश्व जूनोसिस दिवस कब मनाया जाता है? तो ये दिवस हर साल 6 जुलाई को मनाया जाता है, ये आप याद रखेगा। कब मनाया जाता है? 6 जुलाई को। 26 जून 2023 को विश्व ड्रग दिवस ये मनाया गया। 1 जुलाई 2023 को राष्ट्रीय चिकित्सा दिवस मनाया गया। चार्टर्ड अकाउंटेंट डे मनाया गया। अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस ये मनाया गया। वस्तु एवं सेवा कर दिवस ये मनाया गया। 6 जुलाई को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो देखो 6 जुलाई को मनाया जाता है विश्व जूनोसिस दिवस। कौन सा दिवस? विश्व जूनोसिस दिवस। बात करें अगर हम 3 जुलाई की, 3 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस ये मनाया गया। तो सिक्स्थ क्वेश्चन का सी ऑप्शन 6 जुलाई ये सही आंसर है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सेवन्थ क्वेश्चन, जेंस स्टॉल्टेनबर्ग को किस संगठन का पूर्ण महासचिव नियुक्त किया गया है? बताइए इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है। इस क्वेश्चन का सही आंसर है नाटो, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। डी ऑप्शन सेवन्थ क्वेश्चन का सही आंसर है। फिलहाल इस डिस्कशन को हम यहीं पर रोकते हैं। थैंक यू।